लाइव व्लॉग। बहुत दिनों बाद अपन मिल रहे हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेराकोटा ज्वेलरी। और ये देखो मैं ननिहाल आ गई। वैसे तो मैं थी सोई, तो मैं हॉस्टल थी, पर उठी मैं ननिहाल एकदम से। हेलो गाइस, हालात बदल जाते मेरे। तो अभी हम आ गए हैं ननिहाल, और यहाँ पे मैं आई तो मुझे पता लगा मेरी मासी बना रही है टेराकोटा ना, टेराकोटा ज्वेलरी। ये ज्वेलरी मिट्टी से बनती है, तो ये देखो अभी तो प्रिपेयर हो रही है। आपको धीरे धीरे आगे किस तरह से हम दिखाएंगे। आदिवासी लोग पहनते थे ना वो ज्वेलरी। हाँ, तो जो पहले आदिवासी पहनते थे ना वो हम पहनेंगे। वो एक बन रखी, अच्छा एक रेडी हो रखी, वो बाहर है। मोए मोए इज एंडलेस, क्योंकि हम आदिवासी कम नहीं है। तो चलो आप लोग अक्सर लोग ही पूछते हैं कि ये मिट्टी मंगवाते कहाँ से हो। गाइस, ये मिट्टी हम मंगल ग्रह से मंगवाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बाद में बात करते हैं। ये देखो गाइस, जो पहले से तैयार है, जो रात को रेडी की थी, बट मैं यहाँ नहीं थी तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया। ये है इसका पेंडल, ये इयररिंग है, और इनको अलग अलग से फिर जचा देंगे, दो इयररिंग बना देंगे। तो अभी इनको धूप में सूखने के लिए रखा है, और उसके बाद में इनको किस में डाला जाएगा? धूप में सुखाने के बाद उन पे क्या किया जाएगा? कलर किया जाएगा उनको, उनको गर्म किया जाएगा, हल्की राख डाल के उनको, जो गर्म गोबर होते हैं उसमें उठ के, फिर उसके जैसे मिट्टी तैयार होती है उसी प्रकार से ज्वेलरी तैयार होगी। और ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगती है। इस प्रकार से जैसे हमने इसको देखो ये बनाया है, ये क्वांटिटी रहती है इसकी, और ये ज्वेलरी इस मिट्टी से बनेगी, जो कि हम आपको इसकी प्रक्रिया थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। हाँ, अभी मेरे मामा जी विस्तार रूप से बताएंगे। बताओ ये फ्रेंड्स, पहले इसने गोबर का टेराकोटा बना के ट्राई किया था। इसके पापा ने मिट्टी खराब करने ली थी इसको। ये बहुत सुंदर बना, देखे चावल की डिजाइन बनाई है इसने। ये दो तीन दिन पहना था इसने, लेकिन इसका नाका टूट गया था फ्रेंड्स। गजब बेइज्जती है। हाँ, ये हमारी डिजाइन रेडी हो चुकी है, ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं हम। बनता क्या है वो हमें भी नहीं पता। इसको मजबूती देने के लिए हम इसके पीछे टेराकोटा क्ले की एक परत लगा देते हैं, ये बीच में। बस बेटा, बेटा काहे का। हाँ, ये हम इसको डिजाइन दे रहे हैं एक मिनट पेन के ढक्कन से। आपको भी जो सही लगे उससे आप डिजाइन दे सकते हैं। ये हम इस पेंडल के नीचे के घुंघरू बना रहे हैं, ये यहाँ पे लगेंगे। और फिर सबको बना के फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे। जिसकी आगे की प्रोसेस भी हम आपको साथ में दिखा देंगे। दूसरी बार अब इनकी आंकुड़िया बन रही है। हो गया गाइस, गाइस ये हमारे अब ये साइड के डिजाइन चल रही है, और ये यहाँ के, ये जो यहाँ के मोती रखे हुए हैं यहाँ लगे। A few moments later, अब हम इसको राख में रख रहे हैं गरम करने के लिए। किसमें? बानी बोलते हैं, बानी बोलते हैं इसको। राख या बानी सो गैस पे रखेंगे क्या? इनको भी अब हमने इसको रख दिया है गैस पे ढक के, ताकि हमारी ज्वेलरी पक जाए। कितनी देर रखना है इसको? 15-20 मिनट इसको गर्म होने के बाद, गर्म हो जाएगी 15-20 मिनट राख, तब उसको बंद करके, और जब तक ये ठंडी नहीं हो तब तक इसके अंदर ही छोड़ देंगे। फिर उसको देखेंगे तो पकी हुई जैसे मटकी तैयार होती है उसी प्रकार से ज्वेलरी भी तैयार हो जाएगी। 2000 years later, दोस्तों हमारी ज्वेलरी पक के तैयार हो गई है। अब हम इसकी सफाई करके और इसको अलग अलग पिरो के फिर आपको दिखाएंगे। उठ सकोट जकन भी बांस आ गई है। जय जय टेंशन ना ले।
अब इनको पिरो देंगे। तो गाइज अब हम इसके कर रहे हैं कलर। हमारी ज्वेलरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और फिर ये इस ज्वेलरी को पहन के दिखाएगी।